शब्दों में उनको ढालना मेरे लिए असंभव है। उनके साथ जो मेरा रिश्ता था, मेरे पिता तो थे ही वो, हम लोगों के यहाँ बड़े पापा, मझले पापा, छोटे पापा, तीनों पापा हम लोग एक ही मानते हैं, तीनों मम्मियों को हम लोग एक ही मानते हैं, तो मेरे लिए पिता तो थे ही वो, साथ ही साथ मेरे दोस्त भी थे। जिस तरीके से 16वीं लोकसभा में पहली बार मैं सांसद चुनकर गया और उस वक्त जो उन्होंने एक दोस्त की भूमिका निभाई, मुझे पूरी संसदीय कार्यप्रणाली उन्होंने सिखाई, पूरा संसद भवन उन्होंने घुमाया, कहाँ पे सेंट्रल हॉल है, कहाँ पे राज्यसभा है, सारी जगह उन्होंने दोस्त बनकर उन्होंने दिखाई। और पार्टी में जिस तरीके से सहयोगी के तौर पर वो थे, उनका एक अपना बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। कभी कभी जब उतार चढ़ाव को देख कर मैं थोड़ा सा, ख़ासतौर पर जब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती थी और जब मैं निराश होता था, तो उस वक्त वही मुझे सिखाते थे और उन्हीं से हम लोगों ने सीखा भी। 2009 में जब पार्टी एक बहुत दुरे और बुरे दौर से गुजर रही थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही पार्टी को संभाला, परिवार को संभाला, जिस हंसमुख मिजाज के थे, जिस हंसमुख स्वभाव के वो थे, तो अभी उनकी सारी बातें यादें बन के रह गई हैं। बट हाँ, उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी उम्र भर, ये उम्मीद ज़रूर है। राजनीतिक रूप से भी काफ़ी कुछ आप मिस करेंगे? नहीं, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जैसा मैंने कहा कि पार्टी में मेरे सबसे मज़बूत सहयोगी के तौर पर वो थे। मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा होने के बावजूद, अनुभव मुझसे बहुत ज़्यादा होने के बावजूद, जब से मुझे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, तो उन्होंने जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से उस तालमेल को निभाया, मुझे अध्यक्ष मानते हुए जिस तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया, सहयोग दिया, मुझे निरंतर मेरा मार्गदर्शन किया, ये खाली मतलब ये कमी को तो खैर कभी, इसकी क्षति को कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये जिस तरीके से हर डिसीजन में उनका साथ रहता था, बड़े पापा, मझले पापा, उनके साथ थोड़ा सा हम लोग संकोच भी करते हैं, बट ये जो स्वभाव के थे, इनसे खुल के सारी बातें होती थी, खुल के सारी बातें कहते थे, तो पार्टी में भी कभी मेरे को कहीं कठिनाई आती थी, दिक्कत आती थी, तो इन्हीं के पास मैं जाता था सुझाव लेने के लिए। यार भाई, चार बार वो सांसद रहे, लगातार वो जनता के बीच थे, आज भी जनता उनके लिए रो रही है, क्या लगता है वो संसदीय क्षेत्र जो वो बहुत कुछ देकर गए, कहा जाता है कि दलित सेना के गठन से लेकर रामविलास जी और उनका एक अनन्यासे संबंध था, तो ऐसे में आप क्या लगता है वहाँ की जनता के लिए आप क्या? मुझे लगता है कई ऐसे क्षेत्र हैं, आप पार्टी की बात करें, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप दलित सेना की बात करें, दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समस्तीपुर से चार चार बार के वो सांसद चुन के हमारी भारत की संसद में गए हुए, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं। और आप देखिए, मतलब इससे ज़्यादा और क्या होगा कि अपने काम से उनको कितना लगाव था कि होश के अपने आखिरी के भी कुछ क्षण, आखिरी के भी कुछ घंटे वो अपने क्षेत्र का ही जिक्र कर रहे थे। पार्लियामेंट में अगर आप उनका आखिरी का भाषण सुने, जिस दिन उनको, उनके साथ ये घटना घटी, जिस दिन उनको ये अटैक आया, तो उससे 3 घंटे 4 घंटे पहले वो पार्लियामेंट में खड़े होकर, 11 तारीख को पार्लियामेंट में खड़े होकर वो रेल बजट पर क्षेत्र की ही और यही तमाम समस्याओं का वो जिक्र कर रहे थे। तो आखिरी आखिरी तक ना सिर्फ उनको अपने क्षेत्र की, ना सिर्फ अपने प्रदेश की, पार्टी की, उससे एक रात पहले पापा के साथ घंटों तक बैठकर वो पार्टी का, दलित सेना का आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उसका जिक्र करते रहे, तो आखिर आखिर क्षण तक वो काम ही करते रहे। और आज जब वो नहीं है, तो ज़रूर मतलब वो जो एक कमी है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।